नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, ये आप देख रहे हैं ना, पीपल का पौधा। ऐसे पीपल के पौधे अक्सर घरों में उगाते हैं और लोगों ने इसके बारे में मुझसे पूछा है, तो ये वीडियो मैं आज उन्हीं के लिए बना रही हूँ मित्रों, और आपको भी सभी को इससे लाभ होगा। मित्रों देखो, ये जो पौधा फूट के आ जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से पौधे हैं जो अपने आप उग के आ जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह थी कि अगर कहीं पीपल का पौधा है और उसमें कोई दूसरा पौधा निकल गया है या एक पौधे में दूसरा पीपल का पौधा निकल गया, तो वो बहुत ही राजयोग कारक होता है और उस पत्ते की जड़ को तोड़कर अगर आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं तो काफ़ी धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा पीपल का जो ये पौधा उग जाता है, इसको कभी काटना नहीं चाहिए या बलपूर्वक उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। चाहे छोटा सा ही पौधा उगे, आपको इस पौधे के समक्ष आप दीपक लगा सकते हैं। अगर ये इसकी जड़ आसानी से निकल जाए तो इसको गमले में शिफ्ट करके आप गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन किसी मंदिर में रखकर आ सकते हैं, क्षमा मांगते हैं। लेकिन ये कार्य किसी भी योग्य पंडित की सलाह से करें और उनके मार्गदर्शन में करें। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।